हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस पे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से अप्रोच करेंगे। भाई एक तो क्वेश्चन हमको पता हो कि इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है और हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी एक रैंडम क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, अब मुझे इसमें अप्रोच कैसे करना है, मैं आपको दो से तीन अप्रोच बताऊंगा। इसमें हर तरीके से आंसर इजिली आएगा और बिल्कुल इत्मीनान से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब मुझे नहीं पता है क्या करना है। एक ट्रिक तो सर हमको हमारे सब टीचर्स ने सिखाई है कि बस हमको सबको ही साइन और कॉस में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी LHS जो है वो कॉस में गिवन है, तो साइन कॉस में चेंज करने से बात तो बनेगी नहीं। या तो हम राइट हैंड साइड में जो गिवन है उसको साइन कॉस में चेंज करके देख सकते हैं। राइट, लेट सी। तो हम राइट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। RHS right hand side is equals to cosec A minus cot A, यही है बच्चों cosec A minus cot A। अब इस क्वेश्चन में देखना करना क्या है हमको, cosec पता है आपको, cosec 1 upon sin A होता है, 1 upon sin theta, तो cosec A को लिख देंगे 1 upon sin A minus cot A को क्या लिखेंगे बताओ, cos A upon sin A, cos A upon साइन ए। तो हमारा क्या आ गया सर, एलसीएम ले लेंगे हम साइन ए और ऊपर आ जाएगा सेम 1 माइनस कॉस ए। यहां तक कोई तकलीफ तो बोलो, कोई टेंशन तो बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। राइट, अब 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, हमको इनडायरेक्टली इसी चीज को यहां तक लेके आना है। यस और नो, यस और नो, यस सर। अब यहां तो एक तरीका बच्चों, हम राइट हैंड साइड को यहीं पर लीव आउट कर देते हैं, हम राइट हैंड साइड को छोड़ देते हैं क्योंकि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आ चुका है और साइन और कॉस में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके बाद की बात है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके सीखेंगे, इसी लेक्चर में सीखेंगे। राइट, अब लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं और उसको हम राइट हैंड साइड तक लाने की कोशिश करेंगे, जो कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए अपन ने सिंप्लीफाई करके लिखा ही है। यस और नो, यस। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस ए, न्यूमिनेटर क्या है 1 माइनस कॉस ए, और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट का साइन है। राइट, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, साइन थीटा साइन ए, 1 प्लस कॉस ए साइन ए, या कुछ तो रिलेशन होगा ना, तभी तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ, क्योंकि प्रूफ तो होना ही है, ये बात तो तय है कि प्रूफ होना है। क्लियर, देखो एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। यस और नो, यस सर। तो मुझे यहां पे कुछ देखने की जरूरत है कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के वे में एक्सप्रेस कर सकता हूं, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा के वे में एक्सप्रेस कर सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैंने यहां पे साइन स्क्वायर थीटा रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड जाएगा। यस, सो दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो, यस और नो, यस। अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट कर दूं टेकिंग स्क्वायर रूट, तब जाके मुझे साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की टर्म्स में मिल सकती है क्या। मुझे साइन थीटा चाहिए साइन ए। अभी हम एक रैंडम एक हम थॉट लिए हैं कि चलो साइन थीटा की वैल्यू निकाल के देखते हैं कॉस थीटा की टर्म्स में। तो दोनों साइड अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहां आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस मुझे अभी इतना ही समझ में आ रहा है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अब मैं क्या करूं, मुझे यहां तक क्लियर है सर, मैंने सिंपल अप्रोच से भी करके देख लिया, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लिया, लेकिन बात बन नहीं रही है। लेकिन अंडर रूट तो मुझे समझ में आ रहा है कि अंडर रूट कैसे जनरेट हो सकता है। तो हम जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड जो हमें गिवन है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इसको हम रेशनलाइज करके देख सकते हैं। रेशनलाइजेशन आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर क्लास 10th बोर्ड मैथ्स एग्जाम्स। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है। देखो 1 प्लस कॉस ए है, मुझे नीचे साइन ए चाहिए, काश नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाए, काश।
वन प्लस कॉस ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा जो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए आ सकता है, सोचने की कोशिश करो। पहले मैं एज इट इज लिख रहा हूं, वन माइनस कॉस ए, देखो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा टिपिकल है लेकिन इजी भी है, वन प्लस कॉस ए इंटू ऊपर नीचे मुझे एक सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए रिजल्ट। सो देखो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तभी तो जनरेट होगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा नीचे किससे, वन माइनस कॉस ए से। सोच के देखो, ये वन प्लस कॉस ए जब मल्टीप्लाई होगा वन माइनस कॉस ए से तो आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का जब आप अंडर रूट लोगे दैट विल बी अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, और साइन ए जनरेट होने के चांसेस है कि नहीं है? यस सर। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस कॉस ए से। देखो बच्चों रेशनलाइज क्या किया आपको समझ में आया होगा, रूट के अंदर मैंने सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, वेरी इजी, यस सर। सो अंडर रूट ऑफ ऊपर क्या आ गया सर, वन माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या होगा सर वन, कॉस ए का स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू फोकस, ध्यान से देखो इसको। हमने किया क्या, ऊपर नीचे रेशनलाइज करके एक सिंपल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है ताकि जो मुझे प्रूव करना है वहां तक हम पहुंच सके, राइट। सो क्या आ गया सर आंसर में, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट, स्क्वायर हट जाएगा रूट भी हट जाएगा, अभी एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, नाउ व्हाट इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां हमने देखा है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी दिस थिंग दैट विल बी साइन स्क्वायर ए, यस और नो, यस सर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर आ जाएगा वन माइनस कॉस ए, एंड साइन स्क्वायर ए का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा साइन ए, राइट। यहां तक कोई तकलीफ, नो सर। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको सेपरेट कर देंगे, वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए को हम लिख देंगे, ओके सॉरी, सो दिस इज प्रूफ, दिस इज प्रूफ RHS, so we can say LHS is equals to RHS. यहां तक कोई तकलीफ है तो बोल। देखो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस 3 or 4 marks में अधिकतर है कि ऐसे क्वेश्चंस 3 or 4 marks में फ्रेम होने ही होने हैं क्लास 10 बोर्ड मैथ्स एग्जाम में, राइट। लेकिन इन क्वेश्चन से अगर हम डर जाएंगे बच्चों, अगर ऐसे क्वेश्चन से हम डर जाएंगे तो 3 या 4 marks जो हमको बिल्कुल ईजी वे में मिल सकते हैं वो हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, फोकस करो, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो 2-3 बार इस क्वेश्चन की तो आपको रेशनलाइजेशन की टेक्निक भी समझ में आएगी, राइट। सो ये था मेथड 1। नाउ मेथड 2 थोड़ा सा एडवांस्ड है, आप लोग जब इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 8-10-15 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको लगेगा कि हाँ मेथड 2 इज वेरी इजी, राइट। सो मूविंग ऑन टू मेथड 2 सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन टेक्निक बड़ी ही यूजफुल है, बहुत यूजफुल टेक्निक है। हम इसमें कोई साइन कॉस वाला जो हमारा ओल्ड स्कूल साइकोलॉजी है उससे हम नहीं सॉल्व करने वाले कि सबको आप साइन कॉस में कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, नो। हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल टेक्निकल वे में, और हमारा विजन होना चाहिए, हमको ऐसा आइस होना चाहिए कि हमको ऐसा दिख जाना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में होना क्या है, क्या इसके अंदर टेक्निक छुपी है, वाई कोसेक और कॉट का यूज हुआ है, कोसेक और कॉट से रिलेटेड एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी होती है बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, कोसेक एंड कॉट, यस सर, व्हाट इज द आइडेंटिटी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बस मुझे एक विजन रखना है कि यार कोसेक और कॉट से रिलेटेड एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, मुझे याद है, मुझे आता है, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। नाउ अगर LHS को मैं रेशनलाइज कर देता हूं उसी तरीके से जैसा हमने मेथड फर्स्ट में दिखाया था, सो लेट्स फोकस ऑन LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। थोड़ा सा ऐसा सोचना है हमें, कोसेक अगर उसको हम साइन में चेंज करेंगे ना, 1 अपॉन साइन है, इसमें क्या आता है कॉस अपॉन साइन, नीचे साइन आता है, नीचे साइन थीटा आता है, तो मुझे सिंपल है यहां पर भी, मुझे नीचे क्या चाहिए, किस तरफ जाऊंगा मैं, दैट I have to get sin theta in the denominator. मुझे denominator में sin theta चाहिए, वो कैसे आएगा,
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, अगर मैं उसका अंडर रूट ले लूंगा तो साइन थीटा आएगा, यस और नो? यस। सो रेशनलाइजिंग इट, हम रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? वन माइनस कॉस है या वन प्लस कॉस है? मुझे नीचे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो वन प्लस कॉस थीटा है, उसको मैं वन माइनस कॉस थीटा से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, वन माइनस कॉस ए से अगर मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो मुझे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, तभी तो मुझे साइन स्क्वायर ए मिलेगा, फिर ही तो मैं उसका अंडर रूट लेके साइन ए लिख सकता हूं, यस और नो? यस। सो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन माइनस कॉस ए से, सो अगेन ये अंडर रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों, देखो वन माइनस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बताओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, यस और नो? यस और नो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, वन का स्क्वायर वन होता है इसलिए वन लिख दिया, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा वो लिख दिया, राइट। नाउ अगेन आइडेंटिटी, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अगेन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है? वाई? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वन होता है, यस और नो? यस और नो? इसीलिए मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर थीटा के, राइट। तो मैं ये चीज यहां पर पुट कर सकता हूं क्या इसकी जगह, यस सर। सो ये आ गया अंडर रूट में वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यस और नो? यस। ध्यान से देखो, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। नाउ वी हैव टू सेपरेट दिस डिनोमिनेटर, इसको लिख देंगे वन अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, वेरी इजी। कोई तकलीफ है तो बोलो कमेंट सेक्शन में, कोई तकलीफ है तो बोलो। समझ में आया, एलसीएम को अलग कर दिया हमने, वन बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, अगर एलसीएम ले लेंगे तो यही ना आएगा, देखो साइन ए एलसीएम और ऊपर वन माइनस कॉस ए, यस। What is 1 minus sin a? What is 1 upon sin a? Sorry, what is 1 upon sin a? It is nothing but cosec a, yes or no? Minus, what is cos a upon sin a? It is cot a. Hence, we have proved the left hand side to be equal to the right hand side. Dekho, yehi na cheez prove karni thi humein. देखो छोटी एक छोटा सा टेक्निक अगर यूज कर लिया तो इतना बड़ा सॉल्यूशन जो हमने मेथड वन में देखा वो कितने छोटे सॉल्यूशन में कन्वर्ट होके रह गया, वेरी इजी। तो बच्चों इसी तरीके की टेक्निक्स को सीखने के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस, अभी आपका मैथ्स एग्जाम में एक महीना है अप्रोक्सीमेटली 20 days और वॉट है ना, इन 15-20 days में बच्चों हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, और इस टॉपिक को इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखना, ये टेक्निक आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। थैंक यू।